वेलकम बे खबरों जी बाकायदा शुरुआत है अहम खबर से कंदासी इंसाफ वारी आलमी अदालत इसराइल के रिफा में फौजी ऑपरेशन रोकण जो हुक्म लई छो इसराइल अदालती हुक्म ते अमल कंदे महीने अंदर रिपोर्ट पेश करे इंसाफ वारी अदालत जे फैसले जा तफसील है रिपोर्ट में। इंसाफ वारी आलमी अदालत गजा में जंग बंदी बाबत दक्षिण अफ्रीका के दरख्वास्त से बुधनी कंदे इसराइल के नस्ल कशी कन्वेंशन के मुताबिक रफा में फौजी ऑपरेशन का रोके छो है। नेदरलैंड के तख्तगाह हेग में आलमी इंसाफ वारी अदालत में दुनिया के 14 मुल्क के जज से गड इसराइल जो एक एडहॉक जज भी धुर तौर मौजूद हो। बुधनी दौरान इंसाफ की आलमी अदालत के सदर नवाब सलाम फैसलो पढ़ी बुधाया जैमें वो तो नस्ल कशी कन्वेंशन तहत इसराइल फौरी तौर रफा में फौजी ऑपरेशन बंद करे हर वो ऑपरेशन बंद करे जैसा गजा में रहंदड़ मानन के अंजन में इजाफो थे। इंसाफ वारी आलमी अदालत के जज इसराइल के जड़े 28 मार्च से गजा में इंसानी हकन के खात्मे के लिए फौरी कदम खड़ने लाइ तो उन गजा की हालत खराब थी वही। दक्षिण अफ्रीका इसराइल से गजा में कतलाम नसलकशी जो इल्जाम हणंदे दरख्वास्त कई हुई तो इसराइल के रफा में जारियत का रोकण उतार निकरी वन जो हुक्म जारी किया वे। बुधनी दौरान फलस्तीन जा हामी अदालत के बाहर झंडा और बैनर्स खड़ी मौजूद रहा आजाद फलस्तीनी रियासत जो मुतालबो कंदा रहा। इसराइल इन वक्त ताई इन केस में नसलकशी के इल्जाम के बेबुनियाद करार डींदे रद्द कर छो है। इसराइल जो चवण है तो उन कार्रवाई पांजे बचाव में क्यों आई 7 अक्टूबर से इसराइल से हमलों कंदड़ हमास के निशानो बनाए। फैसले के मौके से इसराइल के तर्जमान जो तो दुनिया की काप ताकत इसराइल के पांजी शहरों की हिफाजत और गजा में हमास जो पीछो करण का रोके नी सके। इसराइल हलंदड़ महीने में ही दखण वाले शहर रफा से हमलन की शुरुआत कई हुई जै कर 10 लख का वधिक मानू अझा छलन से मजबूर थिया हुआ। नसरुल्ला गडाणी जो मढ़ मीरपुर माथेले पहुंचाए बाद जिले हेडक्वार्टर अस्पताल में पोस्टमार्टम पिण कयो वयो। शहीद नसरुल्ला गडाणी जी जनाज़ा नमाज़ चइनी सूबन में वडे अंग में मानून शिरकत कई। शहीद के आखिरी रस्मन में सहाफिन सिविल सोसाइटी सियासी समाजी अगवाणन समेत हजारे मानून शिरकत कई। शहीद के जनाज़ा नमाज़ बाद खेस अबाड़े कब्रिस्तान में आलिन अखियन से मिट्टी माव हवाले कयो वयो। बिबासी अवा के बुधाइंदा हलू मीरपुर माथेले वेझो कुछ डी अग हथियारबंदन के हमले में जख्मी थे सहाफी नसरुल्ला गडाणी कराची के खानगी अस्पताल में दम दई छो। शहीद सहाफी के हजारे आलिन अखियन से गोठ कबूल गडाणी में मिठी माव हवाले किया वो। सहाफी की शहादत से सिंध के मुख्तलिफ शहर में एहतजाज पिण किया वो जडे सहाफी बिरादरी तोड़े साना विंदन शहीद के वारसन कातिलन के वृतनाक सजा देने का मुतालबो किया। घोटकी जिले के तालके मीरपुर माथेले में अणजातल हथियारबंदन के हमले में जख्मी थियल कलमधनी नसरुल्ला गडाणी कराची की खानगी अस्पताल में इलाज दौरान जख्मन की सटन सहंदे दम धनी हवाले कर छो। सहाफी नसरुल्ला गडाणी से 3 ढी अग घोटकी जिले के तालके मीरपुर माथेले वेझो अणजातल हथियारबंदन के फायरिंग में सख्त जख्मी थी पियो हो। खेस मकामी अस्पताल में तिबी इमदाद बाद गणती जोगी हालत में रहीम यार खान नियो वो हो जिते संदस तबियत बेहतर न थियण करे खेस सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह इतलात वे वजीर शर्जील इनाम मेमण के हिदायतों से एयर एम्बुलेंस जरिए कराची की खानगी अस्पताल में दाखिल कराया वो हो जिते अज सुबह संदस साह की तंद टुटी पई। खानगी अस्पताल की इंतजामिया जरूरी कार्रवाई बाद सहाफी नसरुल्ला गडाणी जो मड़ वारसन हवाले कयो। बे तरफ सहाफी नसरुल्ला गडाणी के डाडाणे की इतला से मीरपुर माथेलो शहर सोग में बंद थी वो जैसे तो सहाफी बिरादरी समेत सिंध के समाजी धुरियन तोड़े साझा वंदन में ताव पखड़ियल है। सहाफिन साझा वंदन घोटकी ओबावड़ो खानपुर महर बेन शहर में एहतजाज कयो। सहाफी नसरुल्ला गडाणी जा वारस सहाफी सरापा एहतजाज बनल है। सहाफी के वारसन तोड़े कलम धड़न कौमी शाहरा से धरणो हो हुकूमत का वाकई में मुलस जवाबदार गिरफ्तारी जो मुतालबो कयो। मीरपुर माथेले में सहाफी नसरुल्ला गडाणी के कत्ल खिलाफ़ सिविल सोसाइटी सहाफियन बेन मुख्तलिफ तनजीमन पारा SSP घोटकी के ऑफिस अगर कौमी शाहराह से एहतियाजी मुजाहरो कर धरणो हणी नारेबाजी कई जैं सबब रोड के बिन्हीं पासन का गाड़ियन जो कतारू लगी व्यू। कलम धड़िन तोड़े सहाफी के वारसन साझा वंदन सिंध सरकार का मुतालबो किया है तो सहाफी नसरुल्ला गडाणी के खून में मुलवस जवाबदार गिरफ्तार कर इंसाफ कर वे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण चवा है तो शहीद सहाफी नसरुल्ला गडाणी के कुटुंब के तहफुज फ्राहम किया।
संदस बारन जी तालीम जो खर्च सिंध सरकार बर्दाश्त कंदी जडे त मुतासिर कुटुंब जी माली सहायता पिण कई वेंदी। सिंध जे इतलात वारे वजीर शर्चिल इनाम मेमर जी सिंध असेंबली में खिताब ए प्रेस गैलरी में साफिन सा गाल बोल जा तफसील हन रिपोर्ट में। सिंध जे सीनियर वजीर शर्चिल इनाम मेमर चयो है त सिंध हुकूमत सहाफी नसरुल्लाह गडानी जी जिंदगी बचाण लाइ वसाकीन घटायो। सहाफी जे कुटुंब के तहफ़ुज़ फराहम कयो वेंदो। नसरुल्लाह गडानी जे बारन जी तालीम जो खर्च सिंध सरकार बर्दाश्त कंदी ऐं माली सहायता पिण कई वेंदी। सिंध असेंबली जे इजलास के खिताब कंदे सीनियर वजीर शर्चिल इनाम मेमण चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत बर्दाश्त ऐं रवादारीअ में यकीन रखे थी। सहाफ़ियुनि ते हमला अदम बर्दाश्त जो सबूत आहिनि। सिंध जे इतलात वारे वज़ीर शर्चिल इनाम मेमण चयो त पाकिस्तान में सहाफ़ी शहीद थींदा रहिया आहिनि। जान महमद महर खां सवाइ ॿियनि समूरनि सहाफ़ियुनि जे कातलनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। सिंध हुकूमत जी कोशिश रही आहे त कातलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। अक्सर केसिस में कातल ऐं हमलेवार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। शर्चिल इनाम मेमण चयो त शहीद बेनज़ीर भुट्टो बि आज़ाद सहाफ़त लाइ घणो कमु कयो। ॿिए तरफ़ सिंध असेंबली जी प्रेस गैलरीअ में एहतियात कंदड़ सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदे सीनियर वज़ीर शर्चिल इनाम मेमण चयो त पीपल्स पार्टी जी सिंध सरकार नसरुल्लाह गडानी जे कुटुंब खे तहफ़ुज़ फराहम कंदी। शर्चिल इनाम मेमण चयो त सिंध हुकूमत नसरुल्लाह गडानी जी हयाती बचाइण लाइ हर मुमकिन कोशिश कंदी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानीअ ते टे ॾींहं अॻु हमिलो कयो वियो हो। शहीद नसरुल्लाह जी इस्पताल पहुचण खां अॻु सिंध हुकूमत इस्पताल में इंतज़ाम कया हुआ। सीनियर वज़ीर शर्चिल इनाम मेमण चयो त शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह जे ॿारनि जी तालीम जो ख़र्च सिंध हुकूमत बर्दाश्त कंदी ऐं खेनि मुकमिल तहफ़ुज़ फराहम कयो वेंदो। ॿिए पासे हवा खे ॿुधाईंदा हलूं। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ सिंध असेंबली में सहाफ़ियुनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार जो चवणु आहे त शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल में मुलविस टे जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्चिल इनाम मेमण जी ख़ातिरी खां पोइ सहाफ़ियुनि एहतजाज ख़तमु करे छॾियो। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ सिंध असेंबली में सहाफ़ियुनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे असेंबली मां अलामती वॉकआउट कयो वियो। सहाफ़ियुनि पारां शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी ऐं शहीद जान मोहम्मद महर जा क़ातिल गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो वियो। घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार सिंध असेंबली में एहतजाज कंदड़ सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल में मुलविस टे जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। सिंध चवण आहे त पुलिस जल्द टिन्ही गिरफ़्तार जवाबदारनि खे ज़ाहिर कंदी ऐं नाला बि ॿुधाया वेंदा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्चिल इनाम मेमण जी ख़ातिरी खां पोइ सहाफ़ियुनि एहतजाज ख़तमु करे छॾियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मीरपुर माथेले जे सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ एहतजाजी रैलियूं कढी मुज़ाहिरा करे धरणा हयां पिया। मीरपुर माथेले में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी सहाफ़ियुनि ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ तनज़ीमुनि पारां SSP घोटके जे ऑफिस अॻियां क़ौमी शाहराह ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी नारेबाज़ी कई वई, जंहिं सबबि रोड जे ॿिन्ही पासनि खां गाॾियुनि जूं क़तारूं लॻी वियूं। खानपुर महर में सहाफ़ियुनि पारां मीरपुर माथेले जे सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ साहिल काज़ी दोदो महर ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। ॾहिरकी में मुख़्तलिफ़ धुरियुनि पारां मीरपुर माथेले जे सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ हैदर ख़ान शहर, मीर हसन शहर, कमाल महर ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी नारेबाज़ी कई वई। उबावड़े में सहाफ़ियुनि सियासी समाजी तनज़ीमुनि पारां मीरपुर माथेले जे सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ अकबर दश्ती, मोहम्मद बख्श ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाज रैली कढी धरणो हयो वियो। सांगड़ में बि गडाणी बिरादरी पारां मीरपुर माथेले जे सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ मुमताज़ अली गडाणी, रसूल बख्श ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। उमरकोट में बि सहाफ़ियुनि पारां मीरपुर माथेले जे सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ ग़ुलाम मोहम्मद कुंभर ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। खैरपुर में बि मीरपुर माथेले जे सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ JWC जे मर्कज़ी सदर शौकत नूनारी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे मड़ खड़ी वेंदड़ एम्बुलेंस ते गुलनि जी वर्खा करे भेटा पेश कई वई। हिंगोरजा में बि सहाफ़ी इतिहाद खैरपुर जे सॾे ते मीरपुर माथेले जे सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जे क़त्ल ख़िलाफ़ ग़ुलाम हुसैन चांग ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में क़ौमी शाहराह ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। काज़ी अहमद में सहाफ़ियुनि पारां सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जो मड़ क़ौमी शाहराह तां गुज़रण दौरान मथे गुलनि जी वर्खा करे सुर्ख सलाम पेश करे कातलनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। कंडियारे में बि सहाफ़ियुनि समेत मुख़्तलिफ़ धुरियुनि पारां सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी जो मड़ क़ौमी शाहराह तां गुज़रण दौरान मथे गुलनि जी वर्खा करे सुर्ख सलाम पेश करे कातलनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो।
मोरे में भी कलम धड़न पारा में परमाथेले जे सहाफी नसरुल्ला गडारी जे कतल खिलाफ मोहम्मद अमीन चौहान अख्तर अली लगारी एबियन जी अगवाड़ी में एहतजाजी मुजाहरों के व्यू बबरलो में सहाफिन पारा में परमाथेले जे सहाफी नसरुल्ला गडारी जे कतल खिलाफ आजम मस्तूई जे डब्ल्यू सी जे मरकजी सदर शोकत नूनारी हैदर सिंधी एबियन जी अगवाड़ी में एहतजाजी मुजाहरों के व्यू थरी मीरवा में कलम धड़न पारा मीरपुर माथेले के सहाफी नसरुल्ला गडारी के कतल खिलाफ प्रेस क्लब अग्या एहतजाजी मुजाहरों कर नारेबाजी कई वही। थखराटे में कलम धड़न पारा मीरपुर माथेले के सहाफी नसरुल्ला गडारी के कतल खिलाफ मुमताज महर अली नवाज अली गोहर महर एबियन जी अगवाड़ी में सूर्या बादशाह चौक का प्रेस क्लब ताई एहतजाजी रैली कढ़ी मुजाहरों कर नारेबाजी कई वही। उडेरू लाल में सहाफिन पारा मीरपुर माथेले के सहाफी नसरुल्ला गडारी के कतल खिलाफ अब्दुल गफूर हिंगोरो एबियन जी अगवाड़ी में प्रेस क्लब खास शहीद अल्लाह बख्श चौक ताई एहतजाजी रैली कढ़ी धरड़ो हणी नारेबाजी कई वही। वारे में जे डब्ल्यू सी के सदती मीरपुर माथेले के सहाफी नसरुल्ला गडारी के कतल खिलाफ साहिल सिकंदर असगर मीरासी आई बी एन जी अगवाणी में प्रेस क्लब अग्या एहतजाजी मुजाहरों के व्यू। नसीराबाद में सहाफिन पारा मीरपुर माथेले के सहाफी नसरुल्ला गडारी के कतल खिलाफ जब्बार आजाद मंगी बशीर लगारी आई बी एन जी अगवाणी में आर्थर पुल ते एहतजाजी मुजाहरों कर धरड़ो हणी नारेबाजी कई वही। लालू रैंक में सहाफिन समेत मुख्तलिफ धुरियन पारा मीरपुर माथेले के सहाफी नसरुल्ला गडारी के कतल खिलाफ महरम चांडियो मुजीबुर रहमान टूटाड़ी आई बी एन जी अगवाणी में एहतजाजी मुजाहरों के व्यू। ढोरोनारू में सहाफिन नई सियासी समाजी धुरियन पारा मीरपुर माथेलो के सहाफी नसरुल्ला गडारी के कतल खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों कर नारेबाजी कई वही। चिल्हार में सहाफिन पारा मीरपुर माथेले के सहाफी नसरुल्ला गडारी के कतल खिलाफ शंकर बागे साजिद नोड़ियो आई बी एन जी अगवाड़ी में एहतजाजी मुजाहरों के व्यू। सिकंदर में सखरण में एस यू पी पारा मीरपुर माथेले के सहाफी नसरुल्ला गडारी के कतल खिलाफ आई प्रिया कुमार की बाजियाबी लाए एहतजाजी मुजाहरों के व्यू। आई मीरपुर बठोरो में बजिए सिंध कौमी पार्टी पारा मीरपुर माथेले के सहाफी नसरुल्ला गडारी के कतल खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के व्यू। अगवाड़न जो जबड़ा है तो सहाफी नसरुल्ला गडारी के हमले में मुलविस जवाबदार मददगार के पुलिस गिरफ्तार कर में नाकाम थी वही है। उन्हें तो टे ढी गुजरण बावजूद पुलिस इन वक्त ताई एक भी जवाबदार गिरफ्तार ना कर सकी जिका सरासर नाजायजी है। एहतजाज कंदड़न आला इख्तियार का मुतालबो किया तो सहाफी नसरुल्ला गडारी के कत्ल में मुलविस जवाबदार मददगार के गिरफ्तार कर सख्त सजा दियारी वन। बेपासे सिंध असेंबली में जमीनों के रिकॉर्ड बाबत सिंध रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल इतफाक़ राय से मंजूर किया वो। स्पीकर सैयद अवेस कादिर शाह की सदारत हेठ सिंध असेंबली जो इजलास थो। ई डिजिटलाइज सिंध रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल सिंध असेंबली में पेश कर वो। सिंध रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल कमेटी के चेयरमैन पी मुजीबुल हक पेश कर सिंध असेंबली सिंध रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल इतफाकी राय से मंजूर कर वरतो। पिबासी वहां के बुधाइंदा आलू तो सिंध के सीनियर वजीर शर्जी लेना मेमण कराची में ईरान के सफारतखाने पहुंची सदर इब्राहिम रईसी के लाडाने ते ईरान के कौंसल जनरल साउजर खुआई कई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जी लेना मेमण है तो सदर इब्राहिम रईसी जो लाडाड़ो खिते जो वो नुकसान है दुख की इन घड़ी में मुतासर कुटुंब ईरान की आवाम से गदायूं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जी लेना मेमण कराची में ईरानी कौंसल खाने पहुंची ईरान के कौंसल जनरल हसन नोरेन से मुलाकात कई। उन मौके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नौजवान अगवान रावल शर्जील मेमण टंडे मोहम्मद खान जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कासिम नवीद भी मौजूद हुआ। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के रूह के सवाब पहुंचाने लाए फातिहा अख़वानी कई और दुआ घुरी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण ईरान के कौंसल जनरल से ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के लाडाने से ताज़ियत जो इजहार किया। शर्जील इनाम मेमण खिते में अमन लाए ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी के कोशिशों की वाखाण कई। शर्जील इनाम मेमण चो तो दुख के इन घड़ी में ईरान के सदर मरहूम इब्राहिम रईसी के कुटुंब ईरान के अवाम से हमदर्दी जो इजहार करूँ था। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण चो तो पाड़ेसरी मुल्क के विच में सहकार वधाने लाए इब्राहिम रईसी जो कोशिशों सारा जोगियों हुई। सिंध के इतलात वे वजीर शर्जील इनाम मेमण चो तो सदर इब्राहिम रईसी जो लाडाणो न रुगो ईरान पर समूरे खिते जो वो नुकसान है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण चो तो इब्राहिम रईसी खिते लाए एक गडल सहकार ते बधल पांजे वेन जे एक मीरास छडी आए। बेबासे सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह जो चवड़ा है ते वडे वजीर मुराद अली शाह गेस जो मसलो केतरा ही भेरा वफाक आडो उथारियो आहे कुदरती वसीला जे सूबे में आहेन उनन के नपया देना वनन। सिंध असेंबली जे इजलास के खिताब कंदे सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह जो चवण है ता असा पाकिस्तानी आहियूं
जे सूबे में शे निकरनी उन सूबे जो पेहो हक हुंदो इन सवाए ते सिर्फ मीरपुर खास न पर सरी सिंध में गैस जी लोड शेडिंग आहे। लोड शेडिंग के खात में लाए सिंध हुकूमत पंहिंजो किरदार अदा करे रही आहे। सूबाई वज़ीर चयो त कुदरती वसीला जे सूबे में आहिनि उनखे न पिया ॾिना वञनि। हिन चयो आहे त सिंध गैस पैदा करे थी ऐं पोइ सिंध खे गैस छो नथी ॾिनी वञे। लाहौर हाईकोर्ट अदालती रिपोर्टिंग ते पाबंदी बाबत पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जे नोटिफिकेशन खिलाफ़ दाखिल दरख़्वास्तुनि ते धुरियुनि खे 29 मई लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। लाहौर हाईकोर्ट जे जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख मकामी वकील समरा अई ज़ैन जी दरख़्वास्तुनि ते ॿुधड़ी कई। लाहौर हाईकोर्ट कार्रवाई मुलतवी कंदे धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। लाहौर हाईकोर्ट पैमरा नोटिफिकेशन फौरी मुअतल करण जी इस्तदार रद्द कंदे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के सहकार लाइ ईंदड़ ॿुधड़ी ते तलब करे वरितो। याद रहे त गुज़िरियल ॾींहुं पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरफ़ा अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करण ते पाबंदी वारे क़दम खे लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कयो वियो हो। पैमरा तरफ़ा अहिड़ी नोटिफिकेशन सबब आवाज़ टीवी वटि अदालती कार्रवाई जा तफ़सील हुजण बावजूदु ख़बर में शामिल नाहिनि कया विया। ॿिए पासे कौंसल जनरल थाईलैंड सखर पहुची मकामी अमलदारनि सां मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं कयो। थाईलैंड जे कौंसल जनरल जो ज़िले कौंसल जे चेयरमैन कुमैर हैदर शाह डेप्टी कमिश्नर सखर इस्तक़बाल कयो। थाईलैंड कौंसल जनरल ज़िले कौंसल सखर जे इजलास में बतौर महिमान ख़ासि शिरकत कई। कौंसल जनरल जो चवणु आहे त गुज़िरियल ॾहनि सालनि दौरान पाकिस्तान सां वापार जारी आहे। चाहियूं था त उन में वधीक बहितरी अचे। हिन चवणु हुयो त सखर घुमी अंदाज़ो थियो त हिते वधीक तरक़ियाती कम थिया आहिनि। ज़िले चेयरमैन कुमैर हैदर शाह चयो त कौंसल जनरल ख़ातिरी कराई त स्कॉलरशिप लाइब्रेरी समेत ॿियनि मनसूबनि में तआवुन कयो वेंदो। कराची जी ख़ानगी होटल में स्पार्को पारां पाकिस्तान कम्युनिकेशन सेटेलाइट पाक सेट ॿ ऐं पाक सेट MM1 बाबति आगाही सेमिनार कोठायो वियो। रिपोर्ट करे रहियो आहे शहज़ाद जलबाड़ी। कराची जे निजी होटल में पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमोसफेयर रिसर्च पारां पाकिस्तान कम्युनिकेशन सेटेलाइट पाकसेट 2 ऐं पाकसेट MM1 बाबति सेमिनार कोठायो वियो। सेमिनार में टेलीसेट कैनेडा जे डायरेक्टर मैकोरमिक रॉरी, स्पार्को जे डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद यासिर ऐं स्पार्को जे GM मोहम्मद यूसुफ खान हिन महीने जे आख़िर में ऐं ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान पारां ख़ला में नवां सेटेलाइट लॉन्च करण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी ऐं उन्हनि जे फ़ाइदनि बाबति आगाही ॾिनी। सेमिनार में मौजूदु महिमाननि पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार हिन रीति कयो। SATCOM, the only way that you can get communications to every corner of Pakistan is with satellite. Fiber optic networks and terrestrial wireless networks don't reach everywhere in the country. So in order to give citizens of Pakistan in remote areas the same connectivity, the same access to opportunity as the people in larger centers have, satellite is absolutely the only solution. Satellite ka jo humne jo user segment hai usko invite kiya tha ye dekhne ke liye ki wo kin areas mein apne business ko grow kara sakta hai aur kis tarike se hamari lives mein jaise hum internet use karte hain, tv stations use karte hain, e marketing, e commerce, in sari cheezon se kaise humne satellite technology se benefits lene, to main apne user segment ko invite kiya और कि वो इस बात को जान सकें कि वो इन सेटेलाइट के डाटा को कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से होता है कि हमें एक सेटेलाइट जो है वो 15 साल के लिए बनाते हैं, तो 15 साल के लिए एक्चुअली उसको फोरकास्ट करना कि हमारी आगे यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम यूज़र के साथ एक इंटरेक्शन करें। सेकेंडली, हम जो ग्लोबल मार्केट लीडर्स हैं उनको इनवाइट करें ताकि वो किस तरीके से मार्केट को फोरकास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज हम एक सेटेलाइट के अंदर एक कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं और अगले 3-4 साल के अंदर उस सेटेलाइट की कैपेसिटी जो है उसका इस्तेमाल हम समझते हैं कि ख़त्म हो गया, तो हमारा एक पूरा एसेट जो स्पेस के अंदर है वो हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो हमारा एक पूरा एसेट जो है वो आप समझें कि उसकी यूटिलिटी, उसकी यूज़फुलनेस वो ख़त्म हो गई है। असां जो 3 मई का ही नओं सेटेलाइट लॉन्च कन पिया, पर जेको पुराणो आहे तंहिंजो हींअर 2026 में 15 सालनि जो कॉन्ट्रेक्ट जेको जंहिं ते असां हींअर हलूं पिया, पाकिस्तान पाकसेट 1R आहे शायदि, उहो ख़तमु थियण वारो हुनजो मुदो त डेफिनेटली नओं उन्हनि लॉन्च कयो आहे जंहिं ते सभु शिफ्ट थी वेंदा। सो इहो हिकिड़ो सुठी ॻाल्हि थींदी ऐं उन पुराणो मां थोरो शिकायतूं हुयूं चैनल जे मालिकनि खे, त उहो हाणे काफ़ी बहितर थी वेंदियूं छो त नओं हूंदो
पेंजो नेटवर्क प्रोग्राम में शरीक थींदड़ मेहमानन जो चवन हो तो पाक सेट टू ए जेके ब्या सैटेलाइट पाकिस्तान पारा लॉन्च कया विंदा उनन सा टीवी चैनल्स ए ब्यू जेके कम्युनिकेशन जो फील्ड्स हन उनन में बेहतरी इंदी। कैमरामैन हमार सा गद शहजाद जलबानी, आवाज टीवी कराची। एरिया सिटी के रूरल हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलतों की खोट है जडे त रूरल हेल्थ सेंटर के 25 साल गुजरी वन बावजूद ताल के अस्पताल जो दर्जो न मिली सको। और ये हवाले से दिसू था यूसुफ इब्राहिम सुमरो की रिपोर्ट। नाजरीन, बिरया सिटी रूरल हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलतन चौदीवारी अस्पताल अंदर बीठल शहर जो गंदो पानी समेत सहूलतन की खोट है जडे त बिरया सिटी रूरल हेल्थ सेंटर के 25 साल गुजरी वन बावजूद तालका अस्पताल जो दर्जो न मिली सको है। मरीज दवा लाए परेशान आन। उन हवाले से अस्पताल में आयल मरीजन तोड़े डॉक्टर आवाज टीवी से गलाइंदे गरीब मिस्किन असा बच्चा उ मच्छर में मलेरिया में मुख्तलिफ़ लगा पियान माना जो अचों इतने तक जी मल ऐस तेजी मल उ खोटी खोट आ अस मिस्किन मू पंध था हलूँ टे मेल पंध कर इतने था पचूँ नंढड़ा बच्चा खी तो इतने इो ही जुल्म लगो पा अल्ट्रा सा तब जो पैसा वा 250 रुपया फीस अलग फीसूँ था वन अस मिस्किन खाण पीण में मोहताज वेलो वी वेलो खाऊँ आई चौधी वारियों भगियों पे हूँ जेडों तेड माल रिज्क जो ट्रपिया था अचन कुत्ता बिला चवन दवा ववा ही को दिन ऐसा ही को पर्चू ठाए तेन वनो बबा वही प्रायोरिटी वो ये सरकारी मतलब आ ही कुछ को जिन मतलब मोटा था इंसान के एक जड़ो सा वन मानू के असा ऐसा ही को चो भला पैर बाह लगे पी आगे शुगर भी बीमारी आड़ी पकल आ बटे जगह अच्छा अच्छा तो दवा मिले ही को कुछ भी बट घुरी पंध कर अच्छा दवा दें को कुछ भी एक चक्कर जगह शुगर जगह चेक करायों वे होड़े वो होड़े वो अस खबर पे हाली थी रूल ये हली सो इनमें हर किस्म की मेडिसन जी जरूरत वाली है वह सब पूरी है तल चौधी वारी है इनकी भगल आई वी बो अपग्रेड थी हर शे की सहूलत थी बिल्डिंग भी बदंदी स्टाफ भी बदंद ए मानून के रिलीफ इंशाल्लाह वधिक मिलंदो। असांजो स्टाफ जेको आहे सो कुछ हितां ॿाहिरि वियल आहे उनजी असां DHO साहिब खे रिपोर्ट कई आहे इंशाल्लाह उहो वापसि अची वेंदो त असांजे हॉस्पिटल में जेको गैप आहे उहो पूरो थी वेंदो इंशाल्लाह माण्हुनि खे वधीक रिलीफ मिलंदो। मरीज़नि जी जेके शिकायतूं उन्हनि जेके दवाउनि जूं उहे पूरियूं करे उन्हनि खे फ़ाइदो ॾिनो वञे। कैमरा टीम सां गॾु यूसुफ इब्राहिम सुमरो, आवाज़ टीवी, बिरया सिटी।